वॉल्यूम इंक्रीज के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ। सारे वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में भी मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, तो वहां से भी आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मेरी उन वीडियोज के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल में जो है वॉल्यूम के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सारे के सारे स्टेप्स बताऊं किस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपने आ जाना है हार्डवेयर एंड साउंड्स में, यहाँ पे आपने स्पीकर का जो आइकन है इस पर क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करते ही ठीक है आपने जो है एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम पे क्लिक करना है, देन फिर ये स्पीकर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास स्पीकर प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, ठीक है। स्पीकर प्रॉपर्टीज जैसी ओपन होंगी तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे आपको, जनरल लेवल एनहांसमेंट एडवांस स्पेशल साउंड, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा किस तरीके से हर फीचर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल में हमारे पास जो है ड्राइवर के अपडेट आ रही होती है कि ड्राइवर अपडेटेड है कि नहीं है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपका ड्राइवर जो है अप टू डेट है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं ड्राइवर की डिटेल्स, ठीक है। और ऑफकोर्स ये ड्राइवर मेरा अपडेट भी है और मेरा ड्राइवर इंस्टॉल भी हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी लिखा हुआ भी आ रहा, आप देख सकते हैं द डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक हो गया। इसको आपने बंद कर लेना है। फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे जाना है लेवल्स पे। लेवल्स पे आपके पास स्पीकर्स हेडफोन्स दोनों का सेम वॉल्यूम शो हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप जो भी सेटिंग करेंगे स्पीकर पे भी वही सेटिंग रहेगी वॉल्यूम की, और हेडफोन पे भी वही सेटिंग रहेगी कम और तेज करने के लिए। आपने क्या कर लेना है, लेवल्स में आने के बाद बैलेंस पे क्लिक कर लेना है। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि आपके दोनों लेवल्स लेफ्ट और राइट के ठीक हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट जो है वो 100 से नीचे हुआ हुआ है, राइट जो है वो फुल हुआ हुआ है, या लेफ्ट जो है 50 पे हुआ हुआ है, राइट जो है वो 70 पे हुआ हुआ है। आपने जो है हमेशा इन दोनों को इक्वल रखना है, या तो 100 रखें या 70 रखें या 50 रखें। अगर आप चाहते हैं जो वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करें, तो आपने सारी चीजें 100 पर रखनी है ताकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो सके मैक्सिमम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में कहीं कहीं जो है वो सेटिंग्स चेंज हुई भी होती है। बहुत से लोग अपने हिसाब से सेटिंग्स करके बैठे होते हैं साउंड्स की, तो इसलिए जो है दिक्कत पेश आ रही होती है, आवाज कम आ रही होती है। तो मकसद वीडियो बनाने का था कि हम आवाज को अपनी ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करें बढ़ाएं। तो 100 रख लेना, आपने चेक कर लेना 100 है कि नहीं है। देन आप आ जाए एनहांसमेंट के ऊपर। एनहांसमेंट में आके आपने सारे के सारे ऑप्शंस को अनचेक कर लेना है, और लाउडनेस इक्वलाइजेशन को सिर्फ चेक करेंगे, बाकी सारे अनचेक हों, सिर्फ लाउडनेस इक्वलाइजेशन चेक होना चाहिए, ठीक है। प्रीव्यू भी चेक करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो तो इसलिए मैं आगे चलता हूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिर्फ वो बताऊंगा मैं आपको। एडवांस में जैसे हम आएंगे तो एडवांस में हमारे पास ये बिट रेशो आ रहा होता है। कोशिश करें कि डीवीडी क्वालिटी का सिलेक्ट कर लें, या फिर जो स्टूडियो क्वालिटी में काफी सारे आ रहे हैं डीवीडी क्वालिटी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इतनी ज्यादा बिट भी नहीं है, ठीक है, 16 बिट पर है और क्वालिटी भी डीवीडी आपको दे रहा है, तो आई थिंक इट्स इनफ 16 बिट क्वालिटी, आप इसको स्पेसिफाइड रखें, ठीक है। फिर यहाँ से टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए आप स्पेशल साउंड पे। स्पेशल साउंड पे आपने जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो सिलेक्ट स्पेशल साउंड फॉर्मेट यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। आपने इसको ऑफ रखना है अगर ये आपके पास ऑन हो, लाइक विंडोज सोनिक फॉर हेडफोन्स या और भी ऑप्शन आ रहे हो तो आपने इसको ऑफ सेलेक्ट कर लेना है, देन ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम जो है 100% इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीज रहेगा। तो आपने परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारी सेटिंग्स आप करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम का हाई हो जाएगा और आप अच्छा वॉल्यूम सुन पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो काफी यूजफुल रहेगी। आप लोग के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।